हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और हमारी जो उत्तराखंड की जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है और हमारी बस रिखनी खाल से निकल चुकी है। और आप देख सकते हो हल्का हल्का सूरज की रोशनी दिखने लग गई है और बस वाले भैया अभी काफ़ी स्पीड में चला रहे हैं, ये देखिए पूरे। और ये कुछ सुंदर नज़ारे हैं उत्तराखंड के दृश्य, देखिए पहाड़ पेड़ ऐसा लग रहा है, हमारे साथ चल रहे हैं और नीचे नदी बह रही है। और ये देखिए रोड भी अब काफ़ी अच्छी बन गई है, ये देखिए क्या सुंदर रोड है और क्या सुंदर नज़ारे हैं। और देखिए बस कैसे चल रही है, और सिंगल सड़क में बस चलती है और यहाँ पे बस चलाना कितना मुश्किल है ये आप देख सकते हैं। और ये तो हमारे पहाड़ी हैवी ड्राइवर है जो चला लेते हैं ऐसे, नहीं तो सिंगल सड़क में दो बसें गुजारना मतलब कितना मुश्किल का काम है। और अब हम पहुँचने वाले हैं अपने पुल पे, ये देखिए ये नदी नीचे बह रही है जो कि नयार रिवर है जो कि दूधातोली पर्वत से निकलती है। और दोनों जो नयार है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का मिलन होता है सतपुली में। हमारी जर्नी आगे बढ़ते हुए और अब हम पहुंच गए हैं बाड़ा के पुल पे। नीचे खटलगढ़ नदी बह रही है, ऊपर देख सकते हो रोड का कंस्ट्रक्शन का काम के कारण पूरा पुल भी धूल से क्षतिग्रस्त हुआ है। और ये देखिए पत्थर कितने नीचे आ गए हैं और ये देखिए कुछ सुंदर नज़ारे प्रकृति के। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और अभी मैं मौजूद हूँ पौड़ी में और यहाँ पे मैं बेसिकली कालिंगा पूजा के लिए आया हूँ और यहाँ पे कालिंगा पूजा होने वाली है। और अभी देख सकते हैं यहाँ पे रोड की हालत, मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक सेकंड। ये देखिए ये रोड है, ये रोड फापला से बाड़ा तक ऐसी ही रोड है, ये एकदम क्षतिग्रस्त और नीचे देखिए खाई है। ये वाला जो गाड़ी तो मतलब 4x4 खतरनाक, नहीं तो यहाँ पर सीरियसली ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल। और ये देखिए ये मैंने बाड़ा गांव से कुछ पहाड़ों के कुछ शॉट्स लिए हैं और अपने ब्लॉग के माध्यम से मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि प्रकृति कितनी बेहतरीन और खूबसूरत है। तो ये देखिए कितना सुंदर ऊपर धूप खिल रही है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और कालिंका मंदिर जो पूजा है उसके लिए हम सब जाने वाले हैं। और ये है काकाश्री, ये देख सकते हैं पूरे पैक होके। और ये हमारी क्यूट चाची जी, और ये स्मार्टी चाचा जी, और ये हैं हमारी चाची जी। तो देख सकते हैं अभी यहाँ के हम एक घंटे से चढ़ाई चढ़ रहे हैं और अंधेरे में निकल गए थे, तो अभी तो थोड़ी हालत ख़राब है, बट अभी बहुत चढ़ाई चढ़नी है और देखो ऊपर जाना है। तो आप बने रहिए, माता रानी के दर्शन दिखाएंगे ज़रूर आपको। और धीरे धीरे उजाला हो रहा है, ठीक है, तो रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। तो कुछ देर चलने के बाद, चढ़ाई चढ़ने के बाद देखिए ये नीचे कुछ गांव हैं और ऊपर जंगलात एरिया है और हम देखिए कितनी ऊंचाई पर है और सूरज उदय होने ही वाला है। ये देखिए कितने प्यारे ऊपर गांव हैं और प्रधानमंत्री के योजना के तहत रोड आई है। और ये मेरे काकाश्री, क्या कहना चाहेंगे काकाश्री ब्लॉक के बारे में, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये है कि चढ़ाई ठीक है, बढ़िया है। और सुबह क्या ठंड है क्या? नहीं है ना, सुबह सुबह 4 बजे से चल रहे हैं बट थकान का बिल्कुल निशान नहीं है, आप देख सकते हो निरंतर। और 3 बजे हमने नहाया ठंडे पानी से, यही है भगवान की कृपा दृष्टि। और देखिए क्या व्यू है। और आगे चलने के बाद हमें कुछ इस तरह से नज़ारा देखने को मिलता है। कालिंका माता की जो पूजा है उसके लिए हम अग्रसर होते रहते हैं। और ये देखिए फलकोनी जिसको गढ़वाली में बोलते हैं और कुमाऊनी में लुट बोलते हैं। और ये नीचे प्यारा सा गांव जिसमें 4-5 घर है। और काफ़ी देर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे सिंधुड़ी गांव में। और देख सकते हैं ये देखो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर, ये इस तरह से आग जला रखी है वहाँ पे और बहुत थक गया हूँ बट नज़ारा बहुत अच्छा है। ये देखो कितना बढ़िया नज़ारा है। तो आप बने रहिए, मैं आपको और नज़ारे दिखाऊँगा। आग जला रखी है, इसमें चाय बन रही है, गाँव की पहाड़ी चाय। और ये देखिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा सुबह का, अभी सूरज उगने ही वाला है, जैसे सूरज उदय होगा तो आपको और नज़ारे दिखाएंगे।